हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और आज ना एक्चुअल में मुझे तकरीबन 1.5 महीने बाद यानी कि अपना बाइक मुझे आज देखने को मिला है तकरीबन 1.5 महीने बाद। और पिछली बार मैं जुलाई में जब मुंडन था बच्चे का उस टाइम घर गया था और तकरीबन 6-7 जुलाई को घर गया था। उसके बाद जब फ्लड आ गया था पूरी सड़कें मेरे गाँव में ख़राब हो गई थी, तो और 1-1.5 महीने बाद सड़कें थोड़ी ठीक हो गई है। तो मैं आपको बाइक के हाल क्या हुआ इतने टाइम बाद 1.5 महीने बाद, और उसके बाद इसको साफ़ भी करना पड़ेगा। तो भाई साहब ये देखिए अपने बुड़ के क्या हाल हुए हैं, और पूरा ना मिट्टी मिट्टी हो गया है, इसके ऊपर नीचे सारा पूरा मिट्टी से भर गया है। क्योंकि गांव की रोड ना मतलब है तो पक्का रोड, लेकिन जो स्लाइड होने के बाद जो मिट्टी आई है सड़कों में नालों में, तो उसकी वजह से उसकी हालत ऐसी कि पूरा ब्लैक टायर वाइट हो गया है, मड्डी जैसा हो गया है मिट्टी का। और आगे पीछे से देखिए तो एक चीज़ है ना इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रॉब्लम बताऊंगा बाद में। इसमें ना ये वाइब्रेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब देखने में इसमें दिक्कत हो रही है जो मिरर है इसके। तो ये चाबी मैंने नहीं बनाई है, कुछ दिन पहले मेरी चाबी गुम हुई थी, फिर मैंने ये रिवॉल्वर वाली चाबी बनाई थी अलग से। तो ये आपको अब सही दिख रही है, ये देखो तो ये एकदम से मस्त चाबी है। बाइक स्टार्ट करके थक गया बंदे, देखो कैसे पराठे मार रहा है। खगाड़ा में चाय नहीं दे रहे, इसको तोड़ तोड़ निकाल के दीपू ने। दीदी यानी हां चटनी चाय दो कुछ। चाय बन रही बन रही, बस हो गई। चटनी दो देना, चटनी का पर दे थोड़ी देर बाकी है। हमें थक गया तेरे को, तेरे सॉरी गाइस, मैं आपका नहीं बोल सकता, ठंडे पानी पीने से मेरा गला खराब हो गया है। चलो चलो नहीं देखिए इस शैतान बच्चे ने क्या कर दिया, देखिए शक्ल इसकी, कहीं पे दिखेगा पकड़ लीजिए इसे। मोटरसाइकिल क्या मोटरसाइकिल वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ ऐसे आराम से, बढ़िया बढ़िया। हाथ से दो महीने बाद इसकी साफ सफाई हो रही है, बड़ी गंदी होगी बेचारी। बेचारा बेचारी नहीं, बेचारा है, बेचारी है ये, और बुलेट है बाइक, बुलेट है बुलेट, बेचारा थोड़ी होती बेचारी। लड़की है ये, लड़की है वो, पुराना चीज ये भी ये मेरे पास। तो भाई साहब हमें इसका भी ये साफ करना पड़ेगा भाई। बहुत दिनों बाद तो इसको हल्का हो गया होना, आज इतनी मैल निकल गई इससे। तो ये है ये इसकी बाइक, ये देखो ये दिखाओ, इसने भी अपनी साफ कर दी है। हाँ बड़ी मेहनत लगी है ना। बोले हेलो गाइस, मेरी बाइक साफ हुई नहीं है। अभी सीख रहा था बाइक चलाना वाला, मैंने बुलेट चलाना सीखा, लेकिन उसके नीचे आते आते बच गए, लेकिन वो मैंने वीडियो में नहीं बनाया, मतलब उस टाइम में कहीं और था, और ये बिल्कुल बुलेट के नीचे ही आ गया था। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है वो तो मैंने बाद में बनाया था, लेकिन असल में ना ये मतलब आज बच गया था। ये बंदे देखो आज बच गया, बाइक बाइक से गिर के, और बाइक इसके ऊपर गिर गई, लंबा पड़ गया था, तो अब मेडिटेशन कर रहा है, बच गया बड़ी मुश्किल से। क्या कहना चाहेंगे आप, बच गए बड़ी मुश्किल से, बच गया आप। दूसरी बात ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं आतुर्वारुकं मे वर्धनं
मृत्यु मूर्छा मामृत, मतलब बच गया था इस मंत्र से। तो अब थक गए, अब हम बनाएंगे चाय। तो फिलहाल में नहीं सोने गए। तो अभी चलता हूँ मैं एक टेस्ट ड्राइव पे, क्योंकि काफी दिनों के बाद चला रहा हूँ। तो चलिए तो भाई अभी आया हूँ मैं यहाँ पे मॉल पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने, क्योंकि कुल्लू में 3-4 दिन से पेट्रोल बिल्कुल सेव नहीं है। सभी जगह पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और बाइक में भी पेट्रोल थोड़ा सा बचा हुआ है। 5-7 किलोमीटर और चल सकता हूँ इधर उधर जहाँ भी जाना होगा। अभी देखते हैं, पिछले कल न्यूज़ में आया था कि 6-7 टैंक और आ चुके हैं पेट्रोल के टैंकर, लेकिन आज पता लगेगा पहुँचा कि नहीं पहुँचा टैंकर। तो यहाँ पर अपना पेट्रोल पंप मुझे नहीं लगता है आया होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अभी लाइन तो नहीं लगी है। देखते हैं, पंप में भी पेट्रोल नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि 1-1.5 घंटे बाद मिलेगा, अभी तक आया नहीं होगा। तो यहाँ पास में ही मंदिर है, तो मैं मंदिर जाके आता हूँ उतनी देर। और ये है शनि मंदिर मॉल में, तो आपको भी दर्शन करवाते हैं यहाँ के। एक ना अपने बुलेट में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, देखिए मतलब पूरा जो साइड मिरर है इसमें दिख नहीं रहा कुछ भी। अगर ज़्यादा स्पीड कर दी तो फिर से इसमें वाइब्रेशन हो रही है, ये देखिए। अगर किसी को पता हो इसकी दिक्कत क्या है मुझे बता देना प्लीज़, कमेंट करके बता देना एक्चुअली इतना वाइब्रेट क्यों कर रही है ये व्लॉग है। तो अभी ना मैं फिर से जा रहा हूँ नीचे तेल देखने, बोला था कि पेट्रोल डीजल तो था, अभी बोला था पेट्रोल आएगा 1.5-2 घंटे बाद। तो अभी 2 घंटे हो गए, पहले मैं खाली आ गया था, अभी फिर से जा रहा हूँ और अभी मैं अभी को साथ ले गया। शाम को गाड़ी और शाम को हवा भरते हैं, हवा चेक करते हुए। तो भाई आज फिर से नहीं मिला सकते, बड़ी मुश्किल होगी। अब शाम को फिर से आना पड़ेगा हमारे को, अब हमारे को फिर से शाम को आना पड़ेगा तीसरा चक्कर पेट्रोल के लिए। कितने बजे आना, अब देखते हैं शाम को। 8 hours later। तो अभी मैं फिर से मॉल गया था पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल बने भाई आज 3 दिन 3-3 चक्कर लगे। अभी मैं फिर से गया था मॉल पेट्रोल पंप पेट्रोल बने, लेकिन कुल्लू में ना पिछले 3 या तो अभी ना मैं तीसरी बार पेट्रोल पंप जा चुका हूँ पेट्रोल भरने, लेकिन सुबह बोला 1 घंटे बाद आ जाएगा, और 1 घंटे बाद जब गया फिर बोला कि शाम को आ जाएगा। अब आज अभी शाम को बोल रहे हैं कि कल सुबह आ जाएगा, मतलब कुल्लू में 5-6 दिन हो गए पेट्रोल कहीं भी नहीं मिला। डीजल मिल रहा है थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा डीजल दे रहे हैं, लेकिन पेट्रोल कहीं भी मिल रहा है। थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा था वो आने जाने में ऊपर नीचे पेट्रोल भरने, मतलब पेट्रोल लाने के लिए ख़त्म कर दिया, लेकिन पेट्रोल तब भी नहीं मिला। तो नहीं तो मेरी पूरी वीडियो ना पेट्रोल पर ही आने जाने में चली जाएगी। चले ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, और इस वीडियो करते ही पे एंड, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और यूट्यूब चैनल में नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। बाय।